इनकाउंटर में चार टेररिस्ट मारे गए, चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है, तीन पिस्टल एक एक मिला है, एक है रईस अहमद भट्ट जो अक्टूबर लास्ट ईयर से एक्टिव था, दूसरा है आमिर सफी मीर जो फरवरी 2021 से एक्टिव हुआ इसी साल, याकीब अहमद मल्लिक है जो दिसंबर लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है, और आफ्ताब अहमद वानी जो लास्ट ईयर नवंबर से एक्टिव हुआ है। इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर बाकी साउथ कश्मीर हुआ है, और इस 9 इनकाउंटर्स टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए, इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियन डिस्ट्रिक्ट का है, और दो टॉप क्लास का कमांडर है, एक अलवदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में, और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का, दो टॉप कमांडर है। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिससे 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं, 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाए, कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग के करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं, और हम लोगों पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स और पेरेंट्स काफ़ी ट्रस्ट बढ़ा दिए हैं, और कल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल रात में 2 बजे की सरेंडर कर जाएगा, काफ़ी अपील हो रहा था फैमिली के साइड से हम लोग से, लेकिन नहीं हो पाया, उन्होंने नहीं माना, और फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग का फोकस रहेगा खास कर जो लोकल टेररिस्ट है जो हमको सरेंडर कराएं, चाहे ड्यूरिंग इनकाउंटर हो या बिफोर इनकाउंटर, ये हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, SOP का फॉलो हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्स बहुत प्रोफेशनली वे से ढंग से काम कर रही है, और इसका ही नतीजा है कि इस साल 19 मिलिटेंट मारे गए, उस 19 में से कोई भी सिविलियन का डेथ नहीं हुआ है। ये फैक्ट है कि हमारे एक आर्मी के जवान का देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे ID ब्लास्ट में, पुलिस का एक इनकाउंटर में बदगाम मारे गए हैं, शहीद हो गए थे, और दो जो हमारे पुलिस वाले पर फिटाइन टाइप का हमला किया था बागत में, उसमें शहीद हो गए। टोटल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिला के 4 शहीद हमारे हुए हैं। हम लोग अपने ऑपरेशनल स्किल को बढ़ा रहे हैं कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हो और हमको भी लॉस कम हो। बाकी संबर की जहाँ तक बात है, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, हम लोग का अपना प्लान बन गया है, कहीं कहीं हम लोग नाका को बढ़ा दिए हैं, कहीं कैंप को शिफ्ट कर रहे हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के बाद हम लोग को एडिशनल फोर्स मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी का कमी है, जिस एरिया में सिक्योरिटी बिट का कमी है, उसको हम प्लग कर लेंगे, और बहुत ही सक्सेसफुल सेफ इंसिडेंट फ्री यात्रा करवाएंगे हम लोग। 2-3 मिलिटेंट का अटैक होता है, स्कूल कॉलेज बंद नहीं होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी बंद नहीं होता है, यात्रा नहीं होती, टूरिस्ट आना बंद होता है, लेकिन जब लॉर्डर पथरा होता है तो यात्रा भी बंद कम होती है, टूरिस्ट आने में डरते हैं, स्कूल कॉलेज बंद होता है, तो स्टोन पेल्टिंग लार्जर इशू है, इससे सोसाइटी इन्वॉल्व होता है, इसलिए स्टोन पेल्टिंग को हम लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे, हम लोग लेंगे। टेररिस्ट की जहाँ तक बात है, टेररिस्ट अलग चीज़ है, टेररिज्म से हमको उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि लॉर्डर्स होता है। हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ का स्कूल कॉलेज बंद हो, यहाँ का बिजनेस बंद हो, दुकान बंद हो, और टूरिस्ट आना बंद हो, इसलिए लॉ एंड प्रॉब्लम जो मेरे लिए ज़्यादा सीरियस इशू है।